इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि हैंडबॉल के क्षेत्र में मोरसिंगी नर्सरी ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस नर्सरी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल व भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसका श्रेय खुद अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी रह चुकी स्नेहलता और उसके पति सचिन चौधरी को जाता है, जो बच्चों की प्रतिभा तराश कर उनका खेल निखार रहे हैं। इसके लिए स्नेहलता के पिता एवं मोरसिंगी पंचायत प्रधान जगदीश ठाकुर भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हैंडबॉल नर्सरी के लिए 4 बीघा भूमि दान की है। मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद ज्यादातर खिलाड़ी आराम करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी करने के साथ ही छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस नर्सरी की कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए जितना काम इस छोटे से गांव में हो रहा है, उतना तो बड़े शहरों में भी नहीं होता। इसके लिए स्थानीय लोग भी बधाई के पात्र हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जगन मोहन राव ने कहा कि मोरसिंगी नर्सरी के खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी है। इसे देखने के लिए वे खुद मोरसिंगी आना चाहते थे, उनकी ये इच्छा पूरी हुई है। महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों के लिए देश की इकलौती नर्सरी है। उन्होंने स्नेहलता व सचिन चौधरी के साथ ही खिलाड़ियों से मेहनत जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि फेडरेशन की ओर से यथासंभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने नर्सरी के लिए अपनी ओर से 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। वहीं आनंदेश्वर पांडे ने हैंडबॉल नर्सरी में बनाए जा रहे जिम के लिए हर जरूरत पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। लोग कहते हैं 137 करोड़ की आबादी में ओलंपिक एशियन में मेडल नहीं मिलता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, नारा दिया था, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। और हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी कहते हैं कि गांव तक खेलों को जाना चाहिए, हर बच्चों को खेल के मैदान में जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस जरूरी है। इसके तहत एक स्कीम चलती है और खेलो इंडिया के तहत, कहा कि उसमें छोटे छोटे न्याय पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर या प्रोविजन है छोटे मिनी स्टेडियम्स के, उसके लिए फंड आते हैं, उसकी यहाँ पर राज्य सरकारें समीक्षा करती हैं और विभिन्न एसोसिएशन के माध्यम से ओलंपिक संघ होता है और 2 उसमें एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, बैठ कर तय करते हैं। ये नर्सरी जो है हैंडबॉल की, अपने आप में इंडिया की सबसे बेस्ट नर्सरी है, एक प्रेरणादायक नर्सरी है। छोटे छोटे जो बच्चे खेल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जैसे ही न्याय पंचायत के प्रधान जी ने, चने के जो पिता हैं, उन्होंने अपनी 4 बीघे जमीन दी है, उसका यूटिलाइजेशन खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा और यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनेगा, जिससे कि यहाँ के न्याय पंचायत के लिए एक राज्य सरकार के लिए एक उदाहरण होगा और इसी एक रोड मॉडल होगा, इसी पैटर्न पर पूरे प्रदेश में फैलेगा। एक सोचने वाली बात है, अब स्नेह ने जिस तरह खेला होगा, उसके समझ में जो आया होगा उस हिसाब से उसने लिया होगा। और निश्चित है कि बच्चों के तो कई एकेडमी हैं, लड़कियों की खासकर कोई एकेडमी हिंदुस्तान में नहीं थी, तो उसने सोचा बनाया, तो ये सराहनीय कदम है।